गणित की कथा और आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या अपने संख्या पद्धति पढ़ रहे थे, और जो मेरे हिसाब से आपका आज तीसरा दिन है गणित की क्लास की, तो आज भाज अभाज्य सभी पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग उसके आगे थोड़ा सा पढ़ना है, इससे अभाज्य किसे कहते हैं, जुड़वा भाज्य किसे कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये पता होगा इससे अभाज्य जुड़वा भाज्य में क्या अंतर है। सहभाज उसे कहते हैं जिसका मर्श एक निकले, और जुड़वा भाज का मतलब जहाँ पर जैसे 3, 5, 5, 7, 71, 73, 79, 29, 31 ये सभी क्या है, जुड़वा भाज्य। और सहभाज्य जिसका मर्श एक हो, और सहभाज में जरूरी नहीं दोनों संख्याएं अभाज्य संख्या हो, एक कोई अन्य संख्या भी हो सकती है, और उसका जो लसा होता है सदा उसका गुणनफल होता है। ठीक, अब इसी क्रम में और आगे पढ़ा जाए। अब आगे क्या पढ़ना था, अब जैसे लिख भी लेते हैं भैया, जुड़वा भाज्य क्या क्या है। जुड़वा भाज्य तो आप लोग जानते हैं 3 और 5, 5 और 7, 31 और 29 और 31। इकहत्तर, तिहत्तर, ऐसे और काल थोड़े छोटे होंगे, तो मतलब जिसमें दो का अंतर जुड़वा भाज्य कहते हैं। ठीक, फिर आते हैं स अभाज्य का मतलब, जैसे हो गया 6, 7, इसका महस क्या होगा, एक। जिनका महस एक हो क्या कहलाते हैं, स अभाज्य कहलाते हैं। कोई संख्या लेते हैं 8, 15, इनका महस क्या होगा, एक। 8 और 15 क्या होगा, तो ये सहभाज्य कहलाएंगे, और इनका जो लसा होगा सदैव इनका गुणनफल होगा, याद रखिएगा। इस कंडीशन में अभी आगे हो सकता है ट्रिक आपको काम दे, इनका जो लसा होता है सदैव इनका गुणनफल होता है। ठीक, यहां से कोई दिक्कत है, कोई समस्या जो आपको लग रही हो। एक आता रामानुजन संख्या, किसी को पता रामानुजन संख्या किसे कहते हैं, रामानुजन संख्या किसे कहते हैं, हाँ? जब किसी दो संख्याओं को घनों का योग 1729 हो जाए इसे हम रामानुजन संख्या कहते हैं। ये आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं सीटीटी में। ठीक, जब दो संख्याओं के घनों का योग कितना हो जाए, जैसे 10 का घन + 9 का घन, ये हो जाएगा 1700। कैसे, 10 का घन 1000 + 729 = 1700, ये हो गया रामानुजन संख्या। फिर दूसरा, ये एक नंबर हो गया। दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरी संख्या देखते हैं, एक हो गया 12 का क्यूब + 1 का क्यूब, क्या हो गया बराबर। तो दो संख्या रामानुजन है जिनके घनों का योग क्या होता है, 1729। ये एकदम सीधा पूछा प्रश्न है, एकदम आसान है। मार्कर खराब हो गया क्या, कॉन्सेप्ट क्लियर। एक होता परफेक्ट नंबर, किसी प्राकृतिक संख्या के यदि उसके गुणनखंडों का योग संख्या से दोगुना हो जाए उसे कहते हैं परफेक्ट नंबर। उसको भी देख लेते हैं हम लोग, जैसे 6, 6 गुणनखंड क्या होगा, 1 से कटेगा 2 से 3 से, इसका योग कितना आएगा, इसका योग देखिएगा 12 आएगा, 28 का 1 से 2 से 4 से 7 से 14 से, इसका योग 56 आएगा, इसे परफेक्ट नंबर कहते हैं। आया देख ली जोड़ के, इसे परफेक्ट नंबर कहते हैं। ये पूछा है, 6 वाला पूछा है, इसलिए मैंने लिखवा दिया। क्या पता भैया, प्रश्न बहुत छोटे छोटे पूछते हैं और लगता है बाप रे कैसे हो, गणित तो बहुत पहाड़ सा है, ये पहाड़ वाला कुछ नहीं है। कोई दिक्कत, लिखते चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा।
जुड़वा आवाज से आभार रामन जनसंख्या परफेक्ट नंबर। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या हो तो बताइएगा तुरंत। कोई दिक्कत या कोई समस्या किसी प्रकार का जन्म ले तब हमें तुरंत बताइए ताकि उसका निदान किया जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर, आगे बढ़ा जाए। परफेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा परफेक्ट संख्या है, परफेक्ट नंबर कौन सा है? तो जिनके अंकों के गुणनखंडों का योग संख्या से दो गुना हो उन्हें परफेक्ट नंबर कहते हैं। ठीक, अब तुरंत निकाल लेंगे। अब इसका एक ट्रिक और है लेकिन वो सब आगे पढ़ेंगे, वो सीटेट वाली क्लास में। वैसे सीटेट रिपीटेड के लिए दोनों के लिए रामबाण है। हाँ, उसके गुणनखंडों का योग संख्या से दोगुना होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या पढ़ा जाए? अब ये संख्या पद्धति का ये मैटर तो समाप्त हो गया, अब यहीं से शुरू होता है स्थानीय मान, जाति मान, सन्निकट मान, आरोही अवरोही, उत्तरवर्ती पूर्ववर्ती। सबसे पहले आते हैं अनुवर्ती पूर्ववर्ती की बात करते हैं। ये अनुवर्ती पूर्ववर्ती क्या होता है किसी को पता है? जैसे अगर किसी संख्या में, जैसे मान लीजिए कोई संख्या यक्ष है, अगर इसमें हम एक जोड़ देते हैं इसे क्या कहते हैं? अनुवर्ती संख्या कहते हैं। कौन सी? अनुवर्ती संख्या। किसी संख्या में एक जोड़ने पे जो प्राप्त संख्या होती है उसे अनुवर्ती संख्या कहते हैं। इसे एक नाम से और जानते हैं, परवर्ती संख्या। परवर्ती संख्या के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब आता है कि संख्या माना एक संख्या में से अगर एक घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या क्या होती है? अब उसे कहते हैं पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या याद रखिएगा। एक प्रश्न पूछा है कई बार, 999 की अनुवर्ती की परवर्ती की पूर्ववर्ती क्या होगी? 999 होगी। तो एक दिन कुछ दिन बताए थे। ठीक, ये सारे यूनिक क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। कोई समस्या यहाँ से? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए मिटाए इसको। अब आगे आते हैं। जैसे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 899 की अनुवर्ती क्या होगी? परवर्ती, परवर्ती भी 900। हाँ, अब पूर्ववर्ती करेंगे तो माइनस एक। ठीक, चलिए, क्योंकि ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं इसलिए बहुत ज्यादा इस पर टाइम व्यतीत करना उचित नहीं। हाँ, बस एक उत्तर वाली अगला। हाँ, प्रश्न में क्या होता है भाषा बदल लेता, हम लोग परेशान हो जाते हैं करना क्या है। ठीक, तो जरा सा भी घबराना नहीं है, बस आगे बढ़ते रहना। अब बताइए कोई प्रश्न पूछना है आगे या आगे चले? अब आता है स्थानीय मान और जाति मान। ठीक, स्थानीय मान जाति मान बाद में पढ़ेंगे, पहले उसके पहले ये पढ़ लेते हैं संख्याएं बनाई कैसे जाती। जैसे कोई नंबर दे दिया, कहा निम्नलिखित में सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर होगा। मैंने क्या लिखा, क्या है? 5, 7, 6, 0, 8, 3। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर अगर पूछ दिया जाए तो क्या करेंगे? पहले तो लिखा सबसे बड़ी संख्या, अगर पूछेगा इससे बनने वाले सबसे बड़ी संख्या क्या है, इसमें सबसे बड़ा क्या? 8। 8 लिखेंगे, फिर 7, 6, 5, 3, 0, ये हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या। ये सबसे बड़ी संख्या इस नंबर से बनी सबसे, जब सबसे छोटी पूछता तो पहले जीरो नहीं लिखते। एक वीडियो हमने बता दिया था पहले जीरो, लेकिन जीरो पहले पहले क्या लिखेंगे? सबसे छोटी क्या है? फिर जीरो, उससे बड़ी, उससे बड़ी 6, 7, 8 सबसे छोटी। अब इसमें योग पूछे चाहे अंतर पूछे आप निकाल लेंगे। मैंने किसी भी दिए गए संख्या से सबसे छोटी संख्या बनाना, सबसे बड़ी संख्या बनाना बहुत ही आसान है। आसान है?
रखे की वैल्यू कम हो जाएगी, संख्या नीडेड कम हो जाएगी ना, एक अंक कम कम हो जाएगा। इसको जीरो रख के लिखते हैं, 0, 3, 5, 6, 7, 8 मनी हो जाएगा 35, 6, 7, 8 एक नंबर कम हो गया। और बनाना कितने संख्या था, 6 अंकों से, बन गया 5 अंक। ठीक, कोई दिक्कत मिटाए, काफी तेज गति से चल रहा होगा आप लोग, लगे तो बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा अध्याय। 9, 3, 0, 4, 1, 6 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या एवं सबसे बड़ी संख्या का अंतर होगा। 9, 3, 0, 4, 1, 6 से बनने वाली सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या का अंतर होगा, अंतर होगा। बहुत ही आसान तरीका है, आप आसानी से लगाइएगा, जरा से भी घबराइएगा मत। और आप लोग भी लगाते रहिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए दुर्गेश सर सर्च करिएगा, दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए, इलेनियम दुर्गेश से जुड़िएगा, टेलीग्राम इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए, वहाँ पे भी सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी एक तरफ से, UPTET CTET। हाँ ठीक, बहुत ही आसान तरीका है, जो कोई बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लगेगा। अरे सबसे बड़ी बनाएंगे पहले, तो 9 हो जाएगा 6, 4, 3, 1, 0 सबसे बड़ी, सबसे छोटी बनाएंगे क्या हो जाएगा, 1, 0, 3, 4, 6, 9 अंतर पूछा, अंतर योग पूछता, तो योग बात खत्म। अब घटाना तो आता है ना, मैंने पहली क्लास में बता दिया था कि मेरी क्लास में पढ़ने के लिए आपको जोड़ घटाना गुणा भाग इतनी चीजें तो आनी चाहिए। कोई समस्या, अगर किसी प्रकार कोई समस्या हो आप बेचक हमसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़े, अब चाहे जिसे भी प्रश्न दे, अब तो मैं उम्मीद करते हैं आप एक नंबर फिक्स है, जिनको लगता है गणित पहाड़ ऐसे सीखते चले, ये सब नंबर फिक्स वाले हैं, जहां से आपके नंबर पूरे पूरे मिलेंगे। मिटा इसको, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आता है आरोही क्रम और अवरोही क्रम, वो तो आप पहले जानते हैं, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, इसमें हम ज्यादा समय नहीं गंवाएंगे क्योंकि मुझे पता है आप कर लेंगे। ये दशमलव वाला जब आएगा तब वहां थोड़ा समय व्यतीत करेंगे, यहां नहीं। यहां देखते हैं, जैसे दे दिया कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, काम खत्म, बाकी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और सभी कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं। हम पहले क्या करते हैं, बच्चा पैदा होता है पहले क्या करता है, जमीन में चलता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है, माने विकास का क्रम कैसे होता है, इतने से पता नहीं कब हमारे इतना हो जाते हैं, सब हमारे इतना नहीं होते, कुछ इतना भी रह जाते हैं। ठीक है, तो ये पहले क्या है, आरोही, तीन अक्षर का है आरोही, और यह अवरोही। ठीक, तीन अक्षर वाला माने छोटे से बड़ा, इसे तो पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, काम खत्म। अवरोही, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, काम खत्म। माने किसी भी संख्या को सबसे छोटे जैसे मन ही बढ़ता है, गधही देखें आप लोग, गधा या गधही, पहले छोटा सा फिरता 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 इतना बड़ा हो जाता है, वैसे ये भी, ये आरोही और अवरोही में पहले आरोही होता है, धीरे 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 बढ़ता है, जब बढ़ जाएगा तो मोटा उठा जाता है, तो क्या हो जाएगा, चार अक्षर का हो जाएगा, पहले तीन अक्षर का फिर चार अक्षर का, समझ में आया, आरोही और अवरोही। कोई समस्या, किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना, नंबर देंगे तो आप कर ही लेंगे, उम्मीद करते हैं, ऐसा तो नहीं हम नहीं कर पाएंगे, अच्छा चेक कर लेते हैं, मैं उम्मीद करता हूं आपको आता है पहले से ही। निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखें, अवरोही क्रम में लिखें, 970, 566, 087, 865, 437, 4039 और वही में वो कर लेंगे, मुझे पता है, मतलब बस ये करा, प्रश्न अगर आएगा तो कर लेंगे, बात खत्म, वो तो हम जानते हैं आप कर लेंगे,
ये सारी गणित तो आपको पहले से आते होगी, मेरी मजबूरी है कि अगर क्रम से नहीं पढ़ाएंगे कल को आप उंगली उठाएंगे सर ये तो नहीं पढ़ाए थे, इसको करेंगे पहले पे आएगा, दूसरे पे, तीसरे पे, बस क्रम बन गया, कोई दिक्कत यहां से। और आरोही कहता तो पहले एक क्रम बदल जाता, जहां पांच है वहां एक, अच्छा एक दो तीन चार, अच्छा ये आरोही क्रम है, नीचे ऊपर आरोही क्रम है, कोई दिक्कत नहीं ना। चल मिटा देते हैं, फिर दसवालों में से एक बार और पढ़ेंगे तो वहां इससे और गहन अध्ययन करेंगे। अब आता है किसी संख्या का जातिमान और स्थानीय मान, लिख लीजिएगा जातिमान और स्थानीय मान क्या होता है। ऑनलाइन क्लास वगैरह के लिए आप लोग 6304367 7355 1790। चलिए अब हम देखते हैं आरोही और अरोही के लिए, आरोही और क्या सॉरी जातिमान। तो कोई संख्या जैसे आप जानते हैं एक हिंदी प्रणाली होती है और एक हमारे दो तरह की होती है प्रणाली, हमारे संख्या तीन तरह से होती, दो का तीन, भारतीय पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, रोमन। अभी सबको अलग अलग पढ़ेंगे ठीक, उसके लिए अलग टॉपिक लेंगे क्योंकि आता निम्नलिखित को रोमन अंक में लिखिए तब आदमी कंफ्यूज हो जाता है कैसे रोमन अंक में लिखा जाए, तब हम आपको बताएंगे। तब तक हम लोग देखते हैं, वो तो आता है ना इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ बोलो तो आता है ना, ये नहीं होगी ये नहीं आता। जातिमान और स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, मैंने किस स्थान पे हो और कैसे हो, सीधी सी बात। आइए देखते हैं कैसे हो वो, कोई संख्या लेते हैं जिसे कहा निम्नलिखित में से दिए गए संख्या में 6,03,586 में तीन का स्थानीय मान क्या है। तो जब किसी संख्या का स्थानीय मान पूछे तो कुछ नहीं करना, एक छोटा सा काम करना है, क्या करना है, तीन पूछा तीन लिख दीजिए, उसके दाईं तरफ कितने अंक हैं, तीन अंक है तो तीन लड्डू चढ़ा दीजिए बाबा के नाम पे, एक लड्डू दो लड्डू तीन लड्डू, बस काम खत्म। अगर पांच का पूछा, पांच के बाद क्या अंक है इसके पीछे, एक लड्डू दो लड्डू, बात खत्म। किसी संख्या का स्थानीय मान पूछे उसके दाईं तरफ जितने अंक हो उतने लड्डू चढ़ा दीजिए, काम खत्म हो जाएगा, कुछ भी आपको नहीं करना है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में, ऐसा उम्मीद कर सकते आ रहा नहीं भगवान जी। अच्छा जातिमान हो गया, जातिमान क्या होता है, बस कह दिया छह का जातिमान क्या होगा, छह, बस छह, और कह दिया छह के स्थानीय मान और जातिमान का अंतर क्या होगा, तो कैसे अंतर निकालेंगे, निकालिए कुछ नहीं करेंगे, पहले छह लिख देंगे, इसका स्थानीय मान छह के दाईं तरफ कई अंक है, पांच ठो, तो पांच लड्डू एक किलो दो किलो तीन किलो चार किलो पांच किलो लड्डू चढ़ा दीजिए। और इसका जो फेस वैल्यू होगा, जो इसका जातिमान होगा, वो स्वयं संख्या अंतर पूछा मैंने से। ये सबसे यूनिक सवाल है कि निम्नलिखित दिए गए संख्या का वही है अंकित, अच्छा जैसे दो तीन लोग का दो तीन नाम होता है वैसे, हाँ हाँ पर्यायवाची जैसे होता वैसे यही है, उसको कहते हैं फेस वैल्यू अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं अंकित मान, जाति मान एक है, अंकित मान ने जो अंकित किया है वही मान, अंतर निकाल दीजिए, योग पूछता योग कर देते, कथन निम्नलिखित के आठ के जातिमान और स्थानीय मान ये अंकित मान और स्थानीय मान के का योग होगा तो ये हो जाएगा 80 प्लस 8, काम खत्म। लेकिन अगर दशमलव में पूछता है तब क्या करते हैं, बता दे रहने दे, वैसे दशमलव ध्यान बताना चाहिए था लेकिन आप लोगों को बता दे रहे हैं, जैसे दे दिया 0.03568 में छह के
जाति मान और स्थानीय मान का अंतर होगा 0.03568 में दिए गए संख्या के जाति मान और स्थानीय मान का अंतर होगा। बताइए क्या अंतर? इसकी एकदम आसान तरीका, कुछ नहीं करना, पहले लिख देना 6। क्या लिखेंगे हम? 6। उसके बाई तरफ क्या मिला है? 1, 2, 3। तो 3 किलो लड्डू चढ़ी, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, फिर दशमलव, फिर 0, तो कितना हो गया? ये इसका क्या हो गया? स्थानीय मान। क्या हो गया? बाएं जाता, हाँ, हमेशा। अब कहे कहे बाएं वो सिद्ध कर दें। पहले लिखेंगे 6 बटा, फिर सीढ़ी लगाते चढ़ने के लिए, जहां पे दशमलव है वहां पे डंडा लगा देंगे, उसके बाद जय संख्या पीछे तय लड्डू चढ़ा देते हैं। कटो 1, 2, 3, 4, तो 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4, ये 6/10,000। फिर इसको बदलना स्थानीय मान में, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ लिख देंगे 6, और यहाँ कई लड्डू चढ़ा है, 4 ठो, तो 4 अंक में दशमलव लगेगा, 1 अंक पहले हो गया, बचा कैठ 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 1 के जगह दशमलव, इसको नंगा नहीं छोड़ते, कपड़ा पहना देते हैं, तो 0.006। ये क्या हो गया इसका? स्थानीय। और जातिमान स्वयं संख्या, अंतर पूछ दिया तो घटा देंगे, 6 घटाना कितना है? ये घटा दीजिए, कितना आएगा? 4, 9, 9, 9, 5, 5.9999, 4। योग पूछता था, योग कर देते, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं बेहिचक, नहीं पूछे तो पूछबे करेंगे, हम थोड़ी बख्शने वाले हैं। हो गया? 8 के जातिमान और स्थानीय मान का योग होगा, लिखित में दिए गए 0.03568 के जातिमान और स्थानीय मान का योग होगा। जातिमान और स्थानीय मान का योग होगा, जातिमान स्वयं संख्या होती है, आपको पहले पता है, जातिमान और अंकित मान स्वयं संख्या होगी, संख्या कितनी है? 8। बस कुछ नहीं करना है, अंकित मान तो 8 पड़ता ही आपको, तो जाति मान निकालिए, सॉरी स्थानीय मान निकालेंगे, स्थानीय मान लिख दीजिए पहले यहाँ पर ही 8, बाई तरफ आइए, कई लड्डू 1, 2, 3, 4, 4 किलो लड्डू, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 0.0। बस अब क्या कर रहा है? योग कर रहा है, इसका मान 8 होगा, जोड़ दीजिए, अंतर कहता तो 7.9999, अंतर पूछता तब, लेकिन अंतर तो पूछा नहीं है, योग पूछा थी, योगी है, योग, चलिए भुला गए होंगे, तब यूँ भुला गए होंगे, चलिए कोनो बात, तो आप लोग इतना तेज ना ही ना पढ़े, मैं गधा गणेश आदमी, मंद बुद्धि बालक, हो गया? कोई दिक्कत? टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है, सीखते रहिए, चलते रहिए, और साल पेपर मिलेगा, साल करते रहिएगा, टेस्ट होगा तो उसे सब पता चल जाएगा कौन कितना दूध है मैं, कितना नाली में, सॉरी पानी में। अब ये खत्म हो गया। एक तो होता है पड़ोसी मान, क्या होता है? निकटतम वही, जैसे मान लो सामान में खरीदने वाले बाजार में जाते, जैसे मान लीजिए आपने कोई कपड़ा खरीदने गया, दुकानदार कह रहा है कि 150 रुपया, आप कह रहे हैं 120 रुपया ज़्यादा दे मैंने करो, फिर आपका मित्र कह रहे हैं 130 ले लो, फिर कहा नहीं नहीं एकदम चार्ज लगेगा, फिर कहते हैं तुहार ना हमारे 125 ले लो, होता है ना, कहते तुहार ना हमारे 125, तो वही होता है निकटतम मान, मैंने पड़ोसी मान, ये पीटीडी पूछ चुका है और बड़ा ज़बरदस्त पूछता है और सबसे ज़्यादा गलत होता है वहाँ, पहले समझ लीजिएगा निकटतम मान होता क्या है, बाकी चीज़ें तो आप खुद ही जानते हैं।
एक अंक का निकटतम मान क्या होता है? जैसे आप लोगों ने सुना होगा एक शब्दावली राउंड फिगर, एक शब्दावली सुना होगा, अब बड़ा यूज भी करते होंगे। जैसे घर सब्जी लाने के लिए पैसा मिल गया, कितना मिला? सब्जी लाने के लिए पैसा मिला। अगर 98 रुपया की सब्जी खरीदे हैं और 100 रुपया पिताजी आपको दिए, तो क्या उन्हें 2 रुपया वापस करते हैं? क्या कहते हैं? 100 रुपया नहीं, 100 रुपया वो खर्च हो गए। और क्या ने वैभव हो तब कब 90 ले लो। ये जिसको आता है उसको संख्या तुरंत समझ में आ गया। मतलब यहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन है? 5 है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन है? अगर इससे ज्यादा आ गए तो अगला लड्डू ले लेंगे, अगला लड्डू, अगला दशा। और अगर इससे कम है, 5 या 5 से अधिक है तो अगला लड्डू, 4 या 4 से कम है तो पिछला लड्डू। मान यहां 2 लड्डू, ये हो जाएगा एक तरह से माइनस दशांक और ये हो जाएगा प्लस दशांक। मान अगला लड्डू और 10 नहीं जोड़ना है, ध्यान दीजिए, कोई 10 जोड़ मत दीजिएगा भाई, जोड़ मत दे। अगला राउंड फिगर वाला 0। जैसे बहुत ही आसान भाषा में समझाएगा, 73 का निकटतम वैल्यू क्या हो? बहुत तेज है आप लोग तो। और अगर 76 होता तब बस कोई समस्या, कोई दिक्कत? एक नंबर पूछा था जानने के लिए टीटी में, आप लोग समझ में आ गया कि नहीं आया? अरे जो ऑनलाइन वाले बेचारे, शेयर भी कर दीजिएगा आप लोग। हाँ, और इलेनी भी दुर्गेश, और ऑनलाइन क्लासेज हमारे यहाँ चल रही है, ऑफलाइन क्लासेज नोट भी उपलब्ध है। और आपकी अब हमारी तो ब्रांच बनारस में भी आ चुकी है, पांडेपुर में सुधाकर महिला पीजी कॉलेज के बगल वाली गली में, इलाहाबाद बैंक के पास। अगर आप इच्छुक हो तो आपका मोस्ट वेलकम। और संडे को स्पेशल क्लास चलेगी, और उस दिन आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं कोचिंग पढ़ते हो आगे दे सकते हैं। और इसके बाद संडे से एसटी होगी, एसटी वाई पेपर, जैसे ओरिजिनल पेपर आपको बुकलेट मिलती है, ओरिजिनल एमआर शीट रेड कलर की हमारी मिलती है, वो एमआर शीट आपको मिलेगी और उस पर हम आप लोग को एसटी कराएंगे। आप किसी भी कोचिंग संस्थान पढ़ते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। ठीक, आगे बढ़े, ये कहानी खत्म, ऐसे थोड़ी खत्म, अभी बहुत बड़ा है। ये आता ऐसे प्रश्न है, प्रश्न कैसे देता है ध्यान से देखिए, मजेदार प्रश्न देता है। कोई संख्या बोलिए पीछे से, ले बोल दियो, ठीक दे दिया। का प्रश्न पूछा है, का निकटतम मान होगा? का निकटतम मान होगा, ध्यान दे, परीक्षण प्रश्न कैसे गलत होता है? का निकटतम मान होगा, अब देगा विकल्प ए 68, विकल्प बी 65, विकल्प सी 60, विकल्प डी 70। अब बताइए बेचारे अभ्यर्थी क्या करेंगे, अभ्यर्थी क्या करेंगे? प्रश्न पूछा है, अगर पूरा प्रीवियस ईयर पेपर होगा ध्यान दीजिएगा, कहेगा 55 धन 13 का निकटतम मान होगा, या लिखेगा 55 धन 13 के योगफल का निकटतम मान होगा, तुरंत लोग योगफल करेंगे, पहला विकल्प ये तुरंत रंग देते हैं। अभी यहाँ ये तो क्लास में बैठे हैं ना, जब परीक्षा हाल में होते तब मजा आता, 10 में से 8 लोग कहते हैं, जब गलत होता है उत्तर में, अरे कैसे गलत, एकदम सही करके हैं। तब जब बाहर निकलते हैं यूपीटीटी में 150 में पता कितना पाते हैं, 138 142, और जब आंसर की आता है तो उसी में से 100 घट जाता है। सुनिए कभी बताते हैं, अरे मारा 148 सही है, अच्छा रिजल्ट है, अरे वो गोलोबे का लड़ाई कर रहा। तो ये क्या करेंगे पता है, ये हम जोड़ेंगे 55 धन 13 68, तो 68 हो गया 68। इसका जो निकटतम मान होगा अगला लड्डू माने कितना? 70। इसलिए इसका विकल्प कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत, कौन समस्या? बहुत तेज है आप लोग तो बेटा, ये बस समझना, ये लैंग्वेज होती है, भाषा गलत तो सबको आती है। 65 योग आ गया तो 70 हो गया, ऐसा क्या हुआ? 65 आ गया, 5 मैंने लिखा था पहले, 5 या 5 से अधिक है तो 70। हाँ सर, 55 तो 60 हो जाएगा। नहीं सर जी, अरे बाप रे बाप, अगर केवल 55 का पूछेगा तब 60 होगा, क्योंकि इधर 5 6 7 8 9 कहें गए अगला लड्डू, इधर 4 3 2 1 0 कहें हुआ,
तीन भी पांच है किधर, पांच है किधर, इधर का इधर लड्डू, उधर का उधर लड्डू, कुल नौ होता है ना। अब पूछ लिया जब दासी प्रणाली में कुल कितनी संख्या होती है, सीटीडी का पूछा प्रश्न, दासी प्रणाली में कुल कितने अंक होते हैं? जब जीरो दिया मेरे भारत ने, कट हुआ तब उस दिन बताया था जुगाड़ ख्यात करने का, पहले कैसे जीरो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ बस। अब दो चीज एम तीन चीज सीखेंगे, दासी प्रणाली में अंकों की संख्या कितनी है, जिसकी इकाई अंक आएगा उस सम, जिसकी इकाई अंक आएगा एक तीर से दो निशाना। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कोनो दिक्कत समस्या अगर हो तो डॉक्टर दिखा लीजिएगा, अगर हो तब नहीं हो तो यहाँ पढ़िए आराम से मन से, ठीक है ये काम खत्म। अब आते हैं दो अंक की तरफ बढ़ते हैं, अग्रसर होते हैं। तब 60 जैसे अगर आपकी इच्छा कोई नंबर बोल दीजिए, आप बोल ही दीजिए कोई नंबर, चलिए इसे इन्होंने कहा 75-45 का निकटतम मान हो, चलिए 40 लिखते हैं का निकटतम मान होगा, अब घटाएंगे कितना होगा 35, और 35 तो विकल्प सब लड़कियां पहले खोजेंगे, जो पढ़े हैं तेज हैं वो और जो हमरे की नए मंदबुद्धि हैं वो, लेकिन उत्तर क्या होगा इसका, ठीक। इसे तो एक गणित बहुत सरल है, 25 से 30 दिन में गणित पूरी खत्म कर देंगे, खाली आप लोग साथ दीजिए बस, अभी नहीं घर नहीं पढ़ेंगे तब तो ही थोड़ी होगा, ऐसा कोनो घुट्टी भी ना हो घोर के पानी में दे दे पी ले हो आवाज, वो व्यवस्था बनाओ थी जल्दी, शरबत एक ठो बन रहा है, जब पूरी क्लास पढ़ लेंगे तब वो शरबत मिलेगा। आगे बढ़ा जाए, अगर दो अंक में आ गया तब क्या करेंगे, जब दो अंक में आता है तो सैकड़ा को प्रभावित करता है, एक अंक में होता है दहाई को प्रभावित करता है, मतलब अपने से बड़का के अपने से छोटका के प्रभावित करता है, ठीक है। जैसे देखा जाए एक तरफ है 50 और एक तरफ है 49, इन्हें दोनों में अलगोजी हो गए, दोनों सगा भाई हैं बिया वो अलगोजी हो गए, अब ये इधर हो गए और ये बेचारे, अब आपको समझाना नहीं है इनमें करना क्या है, 50 से 50 अधिक है तो अगला सैकड़ा और 50 से 50 कम है तो पिछला सैकड़ा, समझ में आ गया नहीं आया। जैसे 143 का निकटतम मान होगा, राउंड फिगर बहुत तेज है आप तक, समझ में आया, आप बताइएगा 649 का 600, इसका विकल्प क्या क्या देगा 640, 650, 600, 700, 49 पिछवाड़े, कौन समस्या हो गया, बस वही अगला सैकड़ा पिछला सैकड़ा, मतलब एक एक डाली ऊपर को दी एक डाली नीचे को दी, बस ये हो गया ना। कुछ बोलिए कौन संख्या बोलिए, चलिए 729 नौ का क्यूब है ठीक, और 29 का वर्ग है, 29 का वर्ग है 27 का वर्ग है ठीक है, चलिए उन्हें बोल दिया 729 धन 137 का निकटतम मान होगा, निकटतम मान भी क्या इकाई का पूछा है कि दहाई का पूछा है सैकड़ा का पूछा है, ठीक ये भी ध्यान दीजिएगा, इकाई का पूछा है दहाई का पूछा है कि सैकड़ा का, लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं दहाई से सैकड़ा, 900 हो गया, अभी लोग लड़के जो जोड़ेंगे कैसे जोड़ेंगे वो, 9-7 कितना जोड़ा यार टोटल 850 से ज्यादा है, अगर इकाई का पूछता तब ठीक, कोई समस्या, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया, आ गया कोई नंबर बोलिए,
गणित ऐसे ही पढ़ाते हैं हम, सवाल घर से थोड़ी लिख के लाते हैं और कोचिंग वालों की तरह ये पर्चा लेके आओ। आप सवाल बोलिए साल्व हो, जब तक आप पूरी तरह से फ्री ना हो जाए माइंड से, मैंने गणित माने हलुआ, गणित माने काय हलुआ। अब एक मजदूर बेचारा आता है, मैंने जो कहो गणित पढ़ा नहीं है, घर देखेगा बता देगा, अरे इतना लंबा इतना इतना वर्ग फीट हुआ, इतना रुपया भाड़ा हुआ, इतना रुपया इसका लगे, उतना बता देता है। वो कहाँ गणित पढ़ता है, और आप कहते हैं गणित समझ में नहीं आती, वो गणित को फील करता है, महसूस करता है, मकान है, अच्छा मकान है, हाँ इतना बड़ा इतना चौड़ा इतना लगेगा, आप भी महसूस करिए ये गणित लगेगा। देखिए क्या बोल रहे थे आप, कौन बोल रहा था, 532 माइनस 100 बोलिए, मरी मजा तब आती जब 59-69 में अंतर पूछते हैं, 69-79 में, अभी मजा करता अजी क्लास भरी होती तब, हाँ 400-700 ऑनलाइन क्लास वाले बताएंगे भी, वो भी मतलब समझ में आ गया मेरा कहने का मतलब, यही इससे ज्यादा क्या करेंगे, बार बार चीजें घुमाना फिराना, जितना सौ हमें कहा पता, शेयर भी कर दीजिएगा यार आप लोग, बेचारे उन लोगों तक पहुंच जाए, हाँ तो हो जाएगा बहुत जल्द, कितना आया है घटाना उठा, हमको घटाना नहीं आता, अच्छा 403, अरे तब तो सेरल है, तब सीधा राउंड फिगर 400, ये तरीका बहुत बढ़िया है, आप लोग दैनिक जीवन में यूज करते हैं लेकिन बोलते नहीं, कहते हैं गणित नहीं आती, गणित समझ में नहीं आती, और गणित सरल कोनो विषय नहीं है, कहें कैसे, कहें कैसे पूछिए, जैसे संस्कृत अभी मान लीजिए पढ़ गए, आपने पाणिनी की साहित्य पढ़ी है, अब मुद्राक्षर का पढ़ना भूल गए, और परीक्षा मुद्राक्षर आ गया तब प्रश्न छूट जाएगा, और यहाँ जोड़ पड़े हैं कि 3 × 5 बराबर, अगर वो आ गए 4 × 2 इतना नहीं कर पाएंगे, बड़ा आसान है, तो गणित आसान कौन सा, एक दिन पढ़ लो कुल में काम करी, और वहाँ एक को छूटा पानीपत के प्रथम युद्ध पढ़े, दूसरा का नहीं पढ़े, दूसरा का पूछते गए, लेकिन यहाँ जोड़ पढ़ लिया जोड़ खत्म, चाहे जाए अंक दे, इसका मतलब यहाँ से नंबर आपको ज्यादा उठेगा, लेकिन इसके लिए पढ़ने और पढ़ाने वाला बढ़िया होना चाहिए, गणित को बता दे बहुत कठिन है गणित, बेचारा पढ़ने से पहले डरा जाता है, मतलब पढ़ने से पहले डरा जाता है, तो का खाक पड़ेगा, अच्छा यहाँ तो समझ में आ गया ना, अब आगे आगे भी समझ में आ जाएगा, तब ये है 449 और यह है 400, अगला ही वो पिछला था, अभी मैं समझी से कैसे तीर बना रहे हैं, इनका पड़ोसी है इनका पड़ोसी है, हाँ जैसे ये चार, ये 379 है, कितना है 449 से कम, तो किसने बदल जाएंगे ये, इनको प्रभावित नहीं करेंगे, ठीक समझ में आया, ये इसे कोई होगा ये? सीधा सीधा 5000, लगभग 5000 रुपये, अब वो 4630 में सामान लिया, कितने लगभग 5000 रुपये, तो भाई ये 5000, बाकी समझदार है ये, ये बीच वाला काम करता है खाली, बस आधे कुधर आधे किधर, एक लाठा उधर एक लाठा इधर, कोई दिक्कत कोई समस्या, अगर होगी तो कहाँ जाएंगे आप लोग, पता है ये हो गया, एक अंक बढ़ते जाएगा तो करते जाइए, पहले तो अगर पूछ दे दायर नहीं करता मान निकालिए, सब ऐसे लगा देंगे, अगर उसमें अंक दिया अंक वाला तो पढ़ ही लिए हैं, इकाई के लिए क्या करता है, दहाई के लिए क्या करते हैं, एक अंक वाले में क्या करते हैं, एक लड्डू इफेक्ट करता है, दो अंक वाले तीसरा लड्डू इफेक्ट करता है, वो तो पढ़ते चले आप, इसीलिए क्रम से बताएं, आप बढ़ते जाएंगे तो आप क्रम मिलता जाएगा, ठीक, अगर कोई कह दे कि यहाँ से जाने में आगे चौराहा घूमना है तब तक पैदल जाए तो चौराहा ना मिले, तो अब समझ में आ गया कि सीधा पैदल चलना है, जलड्डू बढ़ेगा तय दहीने बाएं हो जाइए, बस ये खत्म कर लेंगे,
कोई दिक्कत उक्कत नहीं है ना? चलिए तो। अभी सब हो गवा, अब दस मोलों में भी नहीं करता मान पूछता, ऐसा नहीं उसमें नहीं पूछता। ओम एक पांचे वाले फंडा है, पांच या पांच से अधिक रहे आगे का, नहीं तो जैसे 0.3468 3 5। इसमें भी एक प्रोसेस याद रखिएगा, पांच या पांच से अधिक ऐसे सीधा सीधा प्लस पांच हो या पांच या पांच से अधिक, तो क्या करते हैं एक जोड़ देते हैं। अगर इसको निकटतम मान निकालना, एक अंक कम करना, तो क्या लिखेंगे पता है? 0.3468। यहां तीन है, क्या लिखेंगे पता है? एक पीछे आएंगे पांच से, तो एक जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? कितना लिखेंगे? अब और छोटा करना है, ये चार है, चार है, वही रहेगा, वही रहेगा, छुएंगे नहीं, परेशान नहीं करेंगे, सोते हुए सांप को जगाएंगे नहीं। फिर आठ है, पांच से ज्यादा है, एक बढ़ा देगा, वैसे तीन अंक तो शुद्ध माना जाता है। और कम करना है, चलिए और कम करते हैं, सात है, बहुत सही, फिर कम करते हैं, पांच है, कहानी समझ में आ गई? बस पांच से कुछ मत छुआ भैया, जैसे वैसे रहे, और पांच से ज्यादा है, कहीं ज्यादा भैया एक क्यों बढ़ा दो, पुलिस की वैल्यू खत्म कर दे रहे हैं ना आप। ओके संधि कुछ देवे अदा के कलम ले सके, व्यवहार हो ठीक हो ना व्यवहार भैया कब दे दे, लिख लिया दे, वही हाल है, समझ आया? जो बुरा तो नहीं लगता ना, कैसे बोलते हैं, बोले तमीज नहीं है हाँ, अगर ऐसा लगे तो बता दीजिएगा। क्लियर ब्रजेश जी, समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब आप लोग तो खुद ही कर लेंगे, जैसे दे दिया 3.5706439। अब छोटा करते चले जाइएगा, हमसे मत पूछिए कैसे लगेगा। हम उम्मीद करते हैं आप कर लेंगे ना, आप लोग शेयर करते रहिएगा, आप लोग भी करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। ये तीन है, छोटा है क्या, नहीं दिख रहा है? 3.5706439। समझावत है? गणित वैसे बहुत आसान, ऐसे आसान कोई भी सही है ना, सबसे कठिन में संस्कृत लागे था। एकदम बेसिक गणित है, पढ़ लीजिएगा। हाँ अब जो नाम है, अब तो तोरे सबको ऊपर हो, ले चले कई परक तक ले चले थे भाई, हाल वीर तुम बढ़े चलो, आगे पहाड़ है बगल से निकल चलो। तब छोड़ देंगे याद भैया, जैसे भाई से जा, सोते हुए सांप को नहीं जगाएंगे, नहीं काट लेगा। पांच छह तो जोड़े, पांच या पांच से ज्यादा, कुछ ना छुपो मत करो, जिसे बोले चल हाँ तो पहले चला जा, जिसे देखा जाए देख लेते हैं। 3.5706 4। अब यही दो बेचारे बचे हैं, ये नौ है, एक बढ़ेगा, ये कितना हो जाएगा बेचारे? चार है, तो फिर 3.5706 4 है, चार है, फिर 3.5706 4 है, छह है, अब इच्छा है ध्यान दीजिएगा, 3.57, अब फिर 3.57 रह जाएगा ना,
एक है तो सातर रह जाएगा ना, फिर 3.5 है तो मुझे 3 अंक शुद्ध माना जाता है। आपको बताते चले, मतलब प्रोसेस समझा दिए, अब सन्निकट मान अब गलत नहीं होगा, इसलिए पूरा पढ़ा दिया इसे। वो एक का अंक पूछता है, लेकिन हम पूरा बाउंड्री पार करा दिया आपको। खाली गणित को महसूस करिएगा, यहाँ पे 6 था ना, हाँ ये 4 खत्म हुआ तो 4 है, कुछ बदलेगा नहीं, 5 होता तो 7 हो जाता, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, कोनो दिक्कत नहीं करेंगे, मतलब इतना मिला है कोनो दिक्कत नहीं करेंगे, 4, 3, 2, 1 लड्डू, इन नो इफेक्ट, कोनो प्रभाव नहीं, कोनो दिक्कत छुएगी ना। हाँ जैसे 0, 1, 2, 3, 4 नो इफेक्ट, कोनो प्रभाव ना देवे को, लेकिन जैसे 5, 6, 7 हो प्रभाव डाले शुरू कर दे, ठीक है, समझ में आया ना। 0, 1, 2, 3, 4 कोई प्रभाव मत, जैसे वैसे लिख दे, और जैसे वो मिल जाए का 5, 6, 7, 8, 9 तैसे क्या करेंगे आगे वाले में, बस अब कुछ ना करेगा, मिटा दें। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, अगर आप नहीं समझ में आएगा तो फिर कब समझ में आएगा। आज की कथा तो यही समाप्त की जा सकती है, अगर आप कहें तो आगे बढ़ा दिया जाए। हाँ बस करें, एक और प्रश्न लिखिए, और आप लोग यार शेयर कर दीजिएगा, और ऑनलाइन क्लास नोट्स भी उपलब्ध है, और ऑफलाइन क्लासेज आपके वाराणसी शहर में, कहाँ पे, सुधाकर मेला पीजी कॉलेज के बगल में पांडेपुर। बैनर पोस्टर तो भी लगा नहीं है, लगेगा भी नहीं, क्योंकि दो बातें याद रखिएगा, एक पढ़ाने की क्वालिटी और दूसरी शराब की दुकान, अगर खेतहरी में रही तो लोग वहाँ तक पहुँच जाएंगे, इन दो चीज़ जरूर होनी चाहिए, अगर ये चीज़ है तब लोग जाएंगे, और नहीं तो कितना बढ़िया दुकान लगा के रख दो, लोग पूछे नहीं जाएंगे, और शराब की दुकान मतलब एकदम खेत के पीछे ओरे पे डाड़े के नीचे अगर होगा तो वहाँ लेने पहुँच जाएंगे, अगर आपके पढ़ाने में दक्षता है तो लोग खोजते हुए पहुँच जाएंगे, रास्ते में कितना लोग पकड़े, अब आई इमा डेमो ले लो, डेमो जेबे नहीं करेंगे, कहीं दुर्गेश सर पढ़ाते ही नहीं, इलानी दुर्गेश क्लास है या नहीं, तो ऐसा हम लोग काम करना, इसीलिए बैनर पोस्टिंग व्यवस्था उतना, जितना बैनर छपवाएंगे पैर के नीचे जाएगा उतना बच्चों को क्या करिए, नोट्स प्रिंट करा के दे दीजिए, वो सफल हो जाए, अध्यापक बन जाए, 40,000 रुपये महीना कमाएं, साल का 5,00,000, और 20 साल में करोड़पति हो जाए, अरे 1 साल में 40,000 रुपया, साल में 5,00,000, 10 साल में 50,00,000, मैथ पढ़ रहे हैं, हाँ 20 साल, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ लोग 80 भी चक्कर में हैं, नहीं 80 भी कुछ लोग हो सकते हैं अभी, रिटायरमेंट की बात की जा रही सर, 40, 40, 80 दिया होगा मास्टर, इन्हों मास्टर तो 10,000 करोड़पति। लेकिन चलिए प्रश्न लिखिएगा, मोहन मोहन अपने पिता से ₹50 लेकर ₹3.42 की दर से 42 पैसे की दर से 4 कॉपियां तथा 4 कॉपियां तथा ₹1.13 की दर से 2 पेंसिल खरीदा तथा ₹5.17 अपने गुल्लक में रखने के बाद शेष धन अपनी माता को दे दिया,
तो बताइए उसने माता को कितने रुपए दिए? यहाँ पर सिलेबस में रुपया पैसा है, बाद में उसको भी पढ़ेंगे, सिलेबस में जुड़ा हुआ अध्याय रुपया और पैसा। किसी कोई दिक्कत या समस्या रहे तो पूछ सकता है बेहिचक, पूरी छूट है क्लास में, आप शेयर कर दीजिएगा सभी लोग, क्योंकि यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, डीएसबी सबको लेकर हम चल रहे हैं, ताकि कहीं गड़बड़ाए ना, बाद में सी टेट अलग कर देंगे, यूपी टेट अलग, लेकिन अभी थोड़ा चलने दीजिए, क्योंकि ये टॉपिक ऐसी है कि यूपी टेट में ही पूछ सकते हैं, जो बेसिक गणित कहते हैं। मैंने अगर ये नहीं आएगा कुछ नहीं आएगा, मतलब जिसको कोई कहता है वो गणित एकदम नहीं आती, उसके लिए जानते क्या दवा है, क्योंकि वो सोचता हमको 30 में 30 पूरा लाना है, अरे 30 में 30 भाड़ में जाए, आपको कितना लाना है, तब लाना है 23 नंबर, तो 7 नंबर जो कठिन का सवाल उसको छोड़ दीजिए, क्या करिए मेहनत कम, अब 15 नंबर हलवा की तरह मिलता है, जो हल्का से मेहनत कर देंगे 10 दिन 15 नंबर तैयार, और अगर हमसे 20 दिन पढ़ दिए तो फिर 15 और 7 22, जिसको गणित नहीं आती अब वो 22 कर ले रहा तो बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग कहेंगे सर 30 में 30 करवाइए तब जाने, उसी चक्कर में लोग परेशान होते हैं, कौन ही सीख पाते हैं, जो ये 8 नंबरों होता है न रहता न कहे न खाब न खाए दे, वही हाल है। देखिए इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमारे मैथमेटिक्स की सबसे बड़ी जान है, मतलब अगर मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो इसके बाद का जो अध्याय पढ़ाऊंगा अगर वो आप नहीं पढ़ेंगे तो मेरी पूरी गणित समझ में नहीं आएगी, अगर वह टॉपिक आपको समझ में आ गया तो आपको गणित वास्तव में लगेगा कि जैसे लोग कहते हैं हलवा माने एकदम सबसे आसान खाना, क्या है आटा डाल दो, तेल आटा चीनी पानी डाल दो तैयार खिचड़ी बनाना, तो वैसे लगेगा, उसको नाम है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम। ये वास्तव में बहुत सरल अध्याय है, लोग इसको हल्के में लेते हैं, लेकिन हम उस अध्याय को इस आधार पर पढ़ाएंगे कि उससे पूरा जितनी भी गणित आपकी सब उससे क्या रहेगी, जुड़ी हुई रहेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप पूरे मनोयोग के साथ पूरे ध्यान के साथ उस अध्याय को एकदम बारीकी से पढ़ेंगे, और इतनी बारीकी से जितना हमने सोचा भी नहीं है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी विभाज्यता का नियम। और आप प्रयास करिएगा कि एकाध बार घर से पढ़ कर आइएगा, ताकि आपको पढ़ाते समय में किसी प्रकार की कठिनाई का, किसी प्रकार की अन्य समस्याओं का सामना हमसे ना करना पड़े, ना आपको करना पड़े। दुई का क्या है, एक उर्ली बता देते हैं, 2 माने जितनी भी सम संख्या है वो 2 से कट जाएंगी। 3 से विभाज्यता का नियम, दी गई संख्या के कुल अंकों का योग यदि 3 से कटती है तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। 4 के लिए जो संख्या का इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या यदि 4 से कटती है तो संख्या भी 4 से, या तो इकाई और दहाई के स्थान पे 2 किलो लड्डू हो, 2 किलो लड्डू माने 00। हाँ देते भाषा समझने लगे हमारी। फिर 5 का इकाई के स्थान पे 1 लड्डू हो, बस काम खत्म, जितना इसको पता है उसके आगे वाला एकदम सरल। देखिए इतना आपको पता होना मस्ट, क्योंकि बिना इसके हम लोग आगे काम नहीं कर पाएंगे, और करेंगे भी कैसे, ये तो उसका मेन आधार है। अब कोनो समस्या कोई के? कोई समस्या किसी प्रकार का हो तो बता सकते हैं, हम पूरी उम्मीद करेंगे कि आपकी समस्या निराकरण हो जाए, नहीं पूछेंगे चलिए तब नहीं पूछेंगे। तो आप सभी का आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग अपना बेहतर देते रहिएगा, ठीक, और ये क्लास सस्पेंड की जाती है आज के लिए। कल हम लोग पढ़ेंगे रूल ऑफ डिजिबिलिटी, कि रूल ऑफ डिजिबिलिटी अगर पढ़ लेंगे तो आप गणित में 30 से 25 आसानी से कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको रूल ऑफ डिजिबिलिटी समझना होगा। हाँ कुछ पूछ रहे थे आप, कुछ पूछ रहे थे क्या, चलिए ठीक, बाकी यहाँ से नोट्स आपको अवेलेबल होगी, सारी चीज़ मिलेगी, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, टेस्ट पेपर सब कुछ यहाँ से मिलेगा, घर से केवल आपको कॉपी और कलम लेकर आनी है, वो तब ले सकते हैं। आगे भविष्य में अगर आप कोचिंग अच्छी चलेगी वो भी नहीं लाना है, खाली हाथ झुलाते आइए, बैग झोला कॉपी किताब सब हम देंगे, ठीक है। और बनारस में आप क्या है, वाराणसी नगर में आए तो इसको शेयर कर दीजिए, वाराणस वाले तो जान जाएं, और आप सबका प्रयास रहेगा तो हम प्रदेश के सभी जिलों में जाएंगे और हर जनपद में हमारी एक शाखाएं होंगी, लेकिन आप सब सहयोग देंगे तब, क्योंकि हम परिणाम से जाने जाते हैं, पढ़ाने से नहीं, ठीक। हम अकेले 5 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ इस समय केवल केवल गणित पढ़ा रहे हैं, क्योंकि दुर्घटना से, हाँ ठीक, ये सब जानते, ट्रैफिक रूल भी जानते रहिएगा, ये सारी चीज़ आप लोग साथ साथ पढ़ते रहिएगा, क्योंकि जब देखेंगे सिलेबस पीछे है तो हम फिर तुरंत आ जाते हैं, वैसे ही पढ़ाते हैं। सब तो सोचते हैं कि नकल मार और के पढ़ाता होगा, होता क्या है, जैसे बहुत सारे यूट्यूबर को आप देखे होंगे वो ऐसे लिख कर लाते हैं, जितना लिखेंगे उतना पढ़ाएंगे, जैसे ख़त्म उसके बाद धीरे से, लेकिन हम ऐसे क्लास से पढ़ाते हैं, आप लोग भी समझ पा रहे होंगे क्लास है,
और ऐसे ओरली पढ़ाते हैं, गणित पूरी गणित ऐसे पढ़ाएंगे और ऐसे हंसाते हंसाते पढ़ाएंगे, तभी तो मजा आएगा। उबा कर सब पढ़ाते हैं, इसलिए नया पंखा न ए सी मिलेगा न कूलर मिलेगा, पसीना टपकता रहेगा और पढ़ते रहेगा। और क्या, आराम करने आए हैं, गुरुकुल है ये, ठीक है। आप लोग भी शेयर कर दीजिएगा, आप तो सात पंखे के नीचे बैठे होंगे, ठीक, ए सी में बैठे पढ़ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे बैठने वाले के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं, पंखा वो बंद करवा दिया जाता है ताकि पसीना निकले, तभी समझ में आएगा ना अध्यापक क्यों होंगे, वरना कोई पढ़ेगा क्यों। हम लोग कहते हैं हमें याद नहीं होता, हम पढ़ते नहीं, इसलिए नहीं, आप कभी सोचिए तो आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।